रमज़ान के समय में आपको एक बार फिर से खुश आमदेद कहते हैं। किचन काउंटर में मैं आ गई हूँ, जहाँ से अब से थोड़ी देर पहले हर किस्म के और हर नस्ल के पकौड़े बनने की खुशबुएं भी आ रही थी और बातचीत भी हो रही थी। तो नाजिया ने पकौड़े बना लिए हैं, गाजर का पकौड़ा। खवातीन हज़रात, अगर आपने ज़िंदगी में कभी गाजर का पकौड़ा नहीं खाया तो क्यों खाना, आज आपको नाजिया बताएंगी। बिल्कुल, और इसकी मैं एक ख़ास बात बताऊँ इस रेसिपी की, इसमें जो तीन अज्जा जो डले हैं वो स्पेशली बेसन, चावल का आटा। बेसन का दोनी डालते पकौड़े में आपने? बेसन डाल, बेसन देखें अब आज अब एक नई बात पता चली कि बेसन नहीं डालते पकौड़े में। बेसन, बेसन, चावल का आटा और कॉर्नफ्लावर, कुरकुरे रहेंगे, कुरकुरे रहेंगे। इसको सब पता है और कहती है मैं खाने का। अच्छा एक बात तो बताएं, एक चीज़ मैं बड़े दिनों से मेरा दिल कर रहा था पूछूं आपसे कि आपने पहली डिश फैसल भाई को बनाकर क्या खिलाई थी? दाल चावल। कैसी बनी थी? बेहतरीन, मुझसे पूछे। अच्छा और इफ्तारी में आप क्या बनाती है? बनाती है अगर उनके फरमाइश करेंगे तो क्या करेंगे? फ्रूट चाट भी बनाई है मैंने, पकौड़े भी बनाए। नहीं, उनकी फरमाइश क्या होगी, मतलब उनका उनका पसंदीदा क्या है? चना चाट खाएंगे और फ्रूट चाट खाएंगे, दैट्स इट। बस वो भी डाइट कॉन्शियस है? नहीं, डाइट कॉन्शियस ही खाते हैं सब, लेकिन इफ्तार में थोड़ा सा खाते हैं। अच्छा, पर मुझे लगा शायद अभी बुलाएंगे इफ्तार पे। बुलाएंगे, बुलाएंगे। अच्छा ये पकौड़े तो गाजरों वाले तो स्पेशल आज चखने पड़ेंगे, ये तो बिल्कुल बिल्कुल रोजा इफ्तार होने के बाद। ये गाजर क्रिस्पी, बस अब बहुत ज्यादा करीब टमाटर है, सॉरी नहीं गाजर है, गाजर टमाटर। कैसे आगा आगा सब पकौड़े आप खाते हैं? मैं बहुत ज्यादा। अच्छा पसंद है आपको? बहुत ज्यादा। लेकिन ऑयल उसमें कौन सा यूज करते हैं? कल आपने हमें मना किया एक स्पेसिफिक ऑयल यूज करने से, तो आप कौन सा ऑयल यूज करते हैं? सर सिर्फ छोटा सा सवाल है, इसमें तेल डला कितना था पकौड़े तलने के बाद, बाकी कितना बचा है? उतना ही रह गया। उतना ही रह गया, जितना तेल गया है उसकी कैलोरीज काउंट करें। हमारे यहाँ मुसीबत ये है कि आधा किलो तेल डाला था तो आधा किलो की रेसिपी सर, इसकी वो एक टिप है, एक टिप है, ये आपको बताऊं, सॉरी टू कट यू, सॉरी टू कट यू, इसकी टिप है। वो टिप ये है कि जब आप अपने बैटर में ऑयल डाल देंगे तो वो ऑयल जो है वो तेल जो आप जिस पे फ्राई करेंगे एब्जॉर्ब नहीं करेगा। एब्जॉर्ब नहीं करेगा। जी तभी उतना ही तेल रह गया। छोड़े एयर फ्रायर में पकौड़े बनाए क्यों? नहीं अब एयर फ्रायर खरीदना पड़ेगा लोगों को यार, मतलब इतना महंगा एयर फ्रायर तो सस्ता हो गया। लेकिन ये टोटका तो दोबारा, जब हमने खरीदा था तब तब महंगा था, अब सस्ता है। नहीं अब वो दोबारा से उसी लेवल का आ गया। अब क्यों सस्ता है? क्योंकि ज्यादा लोग, उसके लिए नए मसाइल आ गए हैं कि उसमें तलने से सेहत के कितने मसाइल हो सकते हैं, नुकसान, इसलिए वो सस्ता होता। अच्छा एक मिनट सर, क्या बताएं? एक मिनट, बहुत ज्यादा वो हो रहा है इधर उधर इधर उधर। मैं आपने कहा जो बैटर, बैटर यानी जो जिसमें आप जो आप मिक्स बना मिक्स मिक्सचर जो होता है जी, उसके अंदर भी ऑयल डालते हैं जी, तो उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि ऑयल जो आपने फ्राइंग पैन या आपने जिस भी वो कम चूसता है पकौड़ा, चूसता है। और कहते हैं चावल का भी अगर आप आटा डालें थोड़ा सा तब भी, डाला ना मैंने, आपने डाला हुआ जी, ये तो नाजिया आप छा गई हैं। तो मैं इस खुशी में मैं आपको आपास की जानिब से आपको हेड गियर दे रहा हूं, पकड़ा बेटा। नहीं ये आपास वालों ने पकड़ा है बेटा, नहीं का एक आपको दो चाहिए, एक ऑडियंस में दूंगा ना, ये आपास की तरफ से आपके लिए हेड गियर है और मुझे उम्मीद है कि आप इसको यूज जरूर करेंगे। और एक आप पता किसको देंगे? जी जी आप बताइए, मतलब जो मुझे अभी बताएंगी कि नाजिया ने जो बैटर बनाया था उसमें कौन सी तीन चीजें डाली है। हाँ माइक दीजिए इनको, माइक दीजिए, कोने पे बैठिए आपको, क्या तीन चीजें थी ये बताइए। जी जी आपके पास माइक पकड़िए। बेसन, बेसन, चावल का आटा, हाँ जी, और कॉर्नफ्लोर। वेरी गुड यार, तालियां। चले जी। अच्छा अब ये जानान का जो स्पेशल गिफ्ट, आपको पता है इनकी फ्रेग्रेंसेस जे डॉट की, जानान की फ्रेग्रेंसेस बहुत अच्छी हैं। आप जब ऑनेस्टली आप लगाएंगे ना मदिया, आपको वैसे मुझे लगता है वो लोग जरूर गिफ्ट भेजेंगे, उन्होंने मुझे बोला हुआ है। लेकिन अभी बहरहाल ये ऑडियंस के लिए नहीं, सिर्फ मदिया को। अच्छा आपको भी, ठीक है आपको। मैं ये देखें ना, ये देखें इसकी बॉटल भी बड़ा। हाँ मुझे, मैं तो ये आप सिर्फ इनको कह रहे हो, मुझे तो चाहिए भी। ठीक है आपको चाहिए, ठीक है। फिलहाल अभी तो मैं नहीं दे रहा, अभी ऑडियंस कर रहे। अब किसको दें? आगा साहब आप बता दें किसको पहुंचना चाहिए। मुश्किल सवाल कर देते हैं आप, जाए यार किसी को भी दे दे। बहुत ही प्यारी बच्ची पीछे बैठी हुई है, खामोश, वो छोटी सी, वो छोटी गुड़िया बैठी हुई, ये उस गुड़िया के लिए तालियां बजा दे। अच्छा इधर आए बेटा, इधर आए, ये बॉक्सेस उठाइए। अल्फता की तरफ से ये बॉक्सेस हैं। अल्फता वालों ने, मदिया हम हर वक्त महंगाई का रोना रोते हैं, लेकिन अल्फता वालों ने सेल लगाई, आप जानते हैं अल्फता की स्पेशल सेल है। बॉक्स दीजिए इनको, दीजिए इनको, दीजिए प्लीज। पीछे हमारे भाई बैठे उनको भी दीजिए, तालियां बजाइए। पीछे वाले भाई मदिया ने कहा, एक जो सबसे शुरू में फर्स्ट नंबर पे बैठे उनको पहुंचा के आइए, तालियां बजा दीजिए भाई के लिए, अल्फता की तरफ से। ये एक और बॉक्स उठा बेटा, आजा जल्दी से, जल्दी भाग कर, जल्दी जल्दी चलिए। फिर उसके बाद जी जी जो आपकी फेवरेट चीज है मुश्क, वो तो यहीं रहेगी। जहाँ बेटा उनको देखे, वो पीछे देखे, वो पीछे
तालियां बजाइए, बहुत प्यारे जोड़े, ये आप खुद देखे हैं नाजिया, और ये मतलब आप खुद देखे हैं। मैं चले बहुत प्यारे, मैं कोशिश करती हूँ जरा कैमरामैन भाई के जरा पीछे से निकल के, क्या और बता दीजिए क्या दे रही हैं आप? मैं दे रही जी मुश्क के लॉन का जोड़ा जो अभी ईद पे बनवाएंगे इंशाल्लाह, वो पीछे बच्चे। और अब मैं आगे, हम जनाब अब हम आगे आगा साहब के पास, ठीक है।